कि जिसने राजनीतिक षड्यंत्र कुछ लोगों के साथ मिलकर रचा, खुद ही अपना राजनीतिक षड्यंत्र का चिट्ठा लिख के देख लिया। हमने जब शीशे में से देखा अंदर से, उनके पांच साथियों के हाथों में ठंडे सोते थे हथियार थे। मौके पर जान बचानी आवश्यक है, बाद में सच्चाई बताना तो पता लग जाएगा। किसी ने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का नंबर हैक करके मेरे को धमकी दी और मेरे से विरोधी भी मांगी। मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, लेकिन जब कोई राजनीतिक षड्यंत्र करने पे आता है ना, वो संबंध भूल जाता है। अगर किसी अच्छे आदमी को ये बोलना गलत है कि अच्छा आदमी है, तो मैं इसके बारे में नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री व अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके चंद्र प्रकाश कथुरिया ने आज करीब चार महीने के बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कथुरिया ने कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरे राजनीतिक व सामाजिक करियर की हत्या करने का प्रयास किया गया है, लेकिन सच हमेशा अमर रहता है। कुछ लोगों ने सोचा था कि कथुरिया को ग्रहण लग गया है, लेकिन वो भूल गए थे कि जब ग्रहण होकर निकल जाता है तो उसकी रोशनी दुगनी हो जाती है और वह फिर से दुगनी रोशनी के साथ वापस आ रहे हैं। वह भाजपा में होंगे या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उनका राजनीतिक सफर पहले की तरह यथावत जारी रहेगा। आपको बता दें कि करीब चार माह पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह भाजपा नेता छत से कूदते हुए दिखे थे और इन पर एक आरोप लगा था कि इनका किसी महिला के साथ अवैध संबंध है। महिला के साथ पकड़े जाने पर उन्होंने यह कदम उठाया था और छलांग लगा दी। इस घटनाक्रम में भाजपा नेता को टांग और सिर पर चोट आई थी और वह करीब एक महीने से अधिक के समय तक अस्पताल में भर्ती भी रहे थे। आज कुछ महीनों के बाद इन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें इन्होंने सरेआम कुछ भाजपा नेताओं और करनाल के कांग्रेसी नेताओं पर उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में चंद्रप्रकाश कथुरिया ने बताया कि उनके बढ़ते राजनीतिक कद को देखते हुए कुछ लोग उनसे रंजिश रखने लगे थे और यह षड्यंत्र इसी का नतीजा है। जो प्रकरण घटित हुआ था उस बारे में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वह उस महिला के पिता से पिछले 25 सालों से संपर्क में है। महिला और उसके पति का मनमुटाव चल रहा था और उसी मनमुटाव को निपटाने के लिए उन्हें एक पंचायती के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन करनाल के कांग्रेसी नेता और उसके भांजे को यह कतई मंजूर नहीं था कि चंद्रप्रकाश कथुरिया इस पंचायत में शामिल हो, क्योंकि कांग्रेसी नेता का भांजा उस महिला पर गलत निगाह रख रहा था और उसे बरगलाने की कोशिश कर रहा था। उनके साथ यह घटनाक्रम कैसे हुआ और किसने किया, इस बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं। भाजपा की सेवा उन्होंने 16 साल तक की है, लेकिन बिना किसी नोटिस के ही उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई और उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि वह पार्टी विरोधी नहीं है, लेकिन वह पार्टी आलाकमान को सच्चाई से जरूर रूबरू करवाएंगे, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक कुछ भी तथ्य साफ नहीं हो पाएंगे। उन्होंने साफ किया कि जिस नेता के भांजे ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उसने लिखित में माफीनामा भी दिया है कि यह सब गलती से हो रहा है। देखिए करनाल से तरुण मदान की यह एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, ये जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने राजनीतिक षड्यंत्र कुछ लोगों के साथ मिलकर रचा, खुद ही अपना राजनीतिक षड्यंत्र का चिट्ठा लिख के दे के गया पुलिस में। ये लिखा हुआ आपको सबको मैंने प्रेस नोट के साथ भी दिया है, और ये विक्रमजीत करनाल का रहने वाला है, अभी चंडीगढ़ रहता है। विक्रमजीत उर्फ हैप्पी की बात कर रहे हैं? हाँ, उर्फ हैप्पी जो यहाँ के कांग्रेसी नेता का भांजा भी है, इसने ये षड्यंत्र रचा और ये रचा हुआ इसने खुद स्वीकार किया है, ये लिखा हुआ है पूरा।
और सबको प्रेस नोट में साथ भी दिया है, इसने जो भी षड्यंत्र रचा वो मैंने अपने इसमें लिख के दे दिया है। मुझे तो होश भी नहीं थी, मैं आपसे मिलने की इच्छा रखता था, लेकिन मैं लगभग एक महीना 20 दिन हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मेरी टांग में फ्रैक्चर था, सिर में फ्रैक्चर था, तो मुझे घर का बताया गया भी घर में रहना है, आपने ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। तो मैं अभी 4 महीने के, आज 21 तारीख होगी, 22 को मेरे साथ ये घटना घटी, आज 4 महीने बाद आपसे मिल के ये बता रहा हूँ कि राजनीतिक षड्यंत्र जो रचा गया, मैं हरियाणा सरकार से और प्रशासन के अधिकारियों से आपके थ्रू ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र रचा, जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, और मैं कईयों को दे भी चुका हूँ और भी देने वाला हूँ, आपको भी दे दिया सबूत, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर इसमें मेरी गलती है तो मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। जी, वो महिला से क्या संबंध है आपके? महिला, देखिए जी, किसी बहन भाई के संबंध को इस तरह पूछना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटर ये है कि आप उनके वहाँ जाके उनसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर बताएंगे क्या संबंध थे, क्या छलांग लगाई? मैं गांधी जी, मैं ये बता रहा हूँ कि उनके पिताजी से, श्री केसी कौशल जी से मेरे 25-26 साल पुराने संबंध हैं। चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो ये उनके कार्यालय में उनके सहायक के नाते काम कर रहे थे, तो क्योंकि हम बंसीलाल जी के नज़दीक थे तो इनके भी नज़दीक होना हमें सौभाग्य मिला, और ये अच्छे इंसान इतने थे कि आज तक इनको 72-73 साल की उम्र में भी वो डीसी रेट पे रख के इनको कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में ही काम दिया गया, और इनके कार्यालय होने के कारण इन्होंने ही मुझे कहा कि ये मियां बीबी का थोड़ा सा कलेश है, 50 साल के दोनों हो चुके हैं, इनका अगर आप पंचायती आदमी हो, आप अगर मिलके बैठ के इनका करा दो तो अच्छा रहेगा। मैं वो समझौता कराने के लिए बातचीत करके वहाँ गया, और उस दिन समझौते में मैंने बैठना था, मेरी धर्मपत्नी ने और उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, और भी 2-3 साथी हमने बुलाए हुए थे अपने, लेकिन ये समझौता होने से, शुरू होने से पहले ही उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो बहन जी डर गए। उन्होंने ये कहा कि आप अगर इस मेन दरवाजे से जाओगे तो मैं अपने साथ कुछ भी कर लूँगी, क्योंकि ये आपको बख्शेंगे नहीं। हमने जब शीशे में से देखा अंदर से, उनके 5 साथियों के हाथों में डंडे सोटे थे, हथियार थे, और हमें ये लगा, मैंने भी ये महसूस किया कि मौके पे जान बचानी आवश्यक है, बाद में सच्चाई बताना तो पता लग जाएगा, और वो सच्चाई मेरे बताने से पहले ये लिख के दे के गया है वो खुद, कि मैंने जानलेवा हमला किया और पंचायत को डिस्टर्ब किया, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये विक्रम सिंह का क्या करते है? ये क्या दुश्मनी क्या रंजीत आपके? देखिए, मेरे साथ कोई उसकी दुश्मनी नहीं है, ना थी, अब तो मुझे पता नहीं, पहले नहीं थी। मैंने उसको जब शीशे में से देखा तो बहन जी ने कहा कि आप इसके सामने जाओगे तो ये आपकी जान ले सकता है, आप इधर से मत जाओ, और ये शरारती आदमी है, क्योंकि मेरे खिलाफ ये इसलिए करता है कि वो कबूतरबाजी का काम करता है, वो ट्रैवल एजेंसी चलाती है, तो दोनों का मिला जुला ऐसा काम था। उसके खिलाफ उसने कुछ ऐसा रचा हुआ था कि ये बंद के घर बैठ जाए, और उन दोनों के भी कुछ संबंध थे, ऐसी बात सामने आ रही है, उनके संबंध बनने की वो कोशिश कर रहा था, जो मुझे पता लगा, जो उन्होंने बहन जी ने बताया, जो पिताजी ने बताया, लेकिन उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं जो भी पिताजी और जो समाज के लोग फैसला करेंगे मैं उस पर करूँगी। तो इससे बाद मैं नीचे उतरा तो इसके बाद मेरे को चोट कैसे लगी, बेहोश कैसे हुआ, मुझे नहीं पता लगा। मैं तो होश आया लगभग 12-13 दिन के बाद, होश में आया मैं। कथूरिया जी, जो सिर्फ कमरे की आप बात कर रहे हैं, पंचायत की बात आप कर रहे हैं, उसमें कितने लोग मौजूद थे पंचायत में जिसमें आप बात कर रहे हैं, उस कमरे में? देखिए, वो मैं बताऊँगा तो शायद आपको सच नहीं लगेगा, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। बता दीजिए कितने लोग मौजूद थे। मैं बताता हूँ, उसके अंदर अभी तक उनके पिताजी से बैठक करने के बाद, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि आप आपस में बात कर लो, ये बिटिया आपसे कुछ संघर्ष बताना चाहती है तो अकेले बात कर लो, हम 1 घंटे बाद इसकी पंचायत को रखेंगे। पंचायत शुरू नहीं हुई थी, चर्चा चल रही थी, मेड भी थी, वो भी थी, मैं भी था, लेकिन चर्चा शुरू होने से 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये लोग पहुँच गए। हमारी उनके पिताजी मौजूद थे, उनके पास ये लेडी नौकरी करती थी कभी? नहीं,
कभी नौकरी इसने उसके पास इससे पहले मौजूद थे जब ये प्रकरण हुआ? नहीं, उसके पिताजी घर दूसरा है, वहाँ पे थे, उन्होंने आना था एक घंटे के बाद। हमने विशाल को भी बुलाना था, उसके पति को भी, ये भी रास्ते में थी, ये भी आ रही थी। तो वो चीज़ हमने वहाँ बातचीत करने के लिए हम गए थे, तो इनको पता नहीं कहाँ से खबर मिली, कैसे सूचना मिली, ये 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे पहुंचने के 5 मिनट के अंदर अंदर ये ऊपर। कांग्रेस नेता का आप नाम ले रहे हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप उस महिला के साथ कभी विदेश भी गए हैं, ये बात सच है या झूठ है? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। आप जो बात जिन नेताओं की बता रहे हो, वो नेता उसी दिन से वहाँ बैठा है जिस दिन ये झगड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कभी कुछ माफ़ी मंगवाता है कभी कुछ, और उसी ने ये माफीनामा लिखवा के दिया। उस महिला की तरफ से पुलिस में शिकायत भी दी गई थी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल शिकायत दी गई थी। उसके एवज में ये समझौता लिखा, उसके एवज में ये समझौता लिखा गया। उसने शिकायत दी थी कि मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था और मेरे घर आए मेहमान के ऊपर जानलेवा हमला किया। कथोरिया जी, उस महिला को आपने कितनी बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि उसका आपका वहाँ अकेले आना जाना पहले से ही था, तो कितनी बार समझाने की बात की? देखिए, मेरा उसके पिताजी के यहाँ आना जाना था, अकेला आना जाना उसके पिताजी के यहाँ तो मैं खूब जाता था, क्योंकि 25 साल पुराने संबंध है। और ये बात समझाने की कोशिश उनके पिताजी के सामने भी कई बार हुई, और उन्होंने भी ये कहा कि हाँ बेटा, ये हमारा ठीक निपटवा सकता है, इनको विशाल से बात करने दो। ये बात है राजनीतिक जो कैरियर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दाग लगा सामाजिक? देखिए, मैं बताता हूँ, इस व्यक्ति ने राजनीतिक मानसिक शारीरिक, आपको लगता है षड्यंत्र के तहत? ये षड्यंत्र है, ये लिखा हुआ है इसमें, इसने खुद वहाँ पे आपके साथ मारपीट भी ली गई। हाँ, मुझे नहीं पता मारपीट हुई, गाड़ी में कौन डाल के लेके गया, मुझे कोई बात होती थी तो उस टाइम से। हाँ, एक बात ये और बड़ी सत्य है, मेरे को वाइस सिक्योरिटी मिली थी, सबको पता है कि पाकिस्तान के नंबर से मेरे को जान से मारने की धमकी मिली, किसी ने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का नंबर हैक करके मेरे को धमकी दी और मेरे से फिरौती भी मांगी उस टाइम पे उससे पहले की बात है, ये लगभग 8 महीने पहले। और मेरे को सरकार द्वारा वाइस सिक्योरिटी दे दी गई, 4 आदमी मुझे सिक्योरिटी के लिए दे दिए गए, ऐसा ऐसा करके पहले 2 हटा लिए गए, फिर 1 और हटा लिया गया। जिस दिन ये हादसा हुआ उससे पहले पूरी सिक्योरिटी हटा ली गई मेरी, वापस हो चुकी थी। सिक्योरिटी अगर मेरे साथ होती तो ये घटना ना घटी जाती। ड्राइवर वगैरह थे आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ड्राइवर भी नहीं था। तो सर, इस वाकये के बाद आपने पुलिस में उस दिन कोई शिकायत दी? मैं पुलिस में शिकायत देने लायक बचा ही नहीं ना, उसके बाद तो मैं हॉस्पिटल में चला गया, मुझे पता ही नहीं लगा। पीजीआई कौन लेके गया आपको? पीजीआई सर कंप्लेंट की है, किसके खिलाफ? मैंने हरियाणा के होम मिनिस्टर को कंप्लेंट दे दी है, और मैं आप लोगों के थ्रू ये मांग करता हूँ, मैं कंप्लेंट लिख के मुख्यमंत्री जी से भी समय मांग के उनको भी मैं ये सारा हादसा बताना चाहता हूँ, और बीजेपी के वरिष्ठ जितने नेता हैं सबको ये पूरी घटना बताना चाहता हूँ मैं, भई ये कैसे कैसे हुई, किस तरह ये हादसा हुआ, और ये साथ ही जो जिसने भी ये घटना रची उसने ये जो लिख के दिया ये भी दिखाना चाहता हूँ। उसने ये लिख के दिया कि पंचायत के लिए चंद्र प्रकाश कथूरिया जी आए और इनके पिताजी ने ये पंचायत रखवाई थी, और मैंने इसको तोड़ने का प्रयास किया और इसका वीडियो वायरल किया, झूठा वीडियो वायरल किया, ये लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। ये पुलिस को दिया स्टेटमेंट? ये पुलिस को दिया उसने, ये उसके साइन है विक्रम के। कथूरिया जी, वीडियो झूठा वीडियो तो आप ऊपर से नीचे आए, वो तो सच्चा है वीडियो? देखिए, ऊपर से नीचे आए, नीचे तो आना ही था ना, चद्दर बांध के, देखिए सच्चा है वीडियो, झूठा नहीं? देखिए, वो वीडियो सच्चा नहीं है, वो वीडियो सच्चा है तो फिर मेरे को ऊपर उनके साथ दिखाया जाता वो सच्चा होता। सर, लेकिन उस वीडियो में महिला भी काफी चीजें चादर लटकी हुई थी सर, मुझे नहीं पता। कितना लंबा सफर आप बिना ड्राइवर के खुद अकेले गाड़ी में करके गए चंडीगढ़? कितना लंबा सफर? तो वो तो 10-15 किलोमीटर का है, वैसे तो सफर नहीं, चंडीगढ़ से वो मैं गया था क्योंकि उसने मेरे किसी कार्यालय में जाना था, मेरे ड्राइवर ने, मैं कह 1 घंटे बाद ये पहुंच रही है, इसके साथ वो आ जाएगा। प्रेस वार्ता तो करने का मौका तब मिलता जब मैं ठीक होता, मुझे तो एक किस्म से इन्होंने जिन्होंने षड्यंत्र रचा ये साबित कर दिया था कि ये तो दुनिया से चला गया। सर, उस वीडियो में महिला भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक्सेप्ट करते नजर आ रही थी, उस वीडियो की अगर बात करें महिला भी कुछ ना कुछ। देखिए, वो मुझे जानकारी उसकी नहीं है, वो आप उनसे पूछिए या कोई है आपके पास तो मुझे दिखाइए। भाजपा ने आपको निकाल दिया, भाजपा में वापस लौटने की कोशिश करेंगे आप?
या मैं किसी और दल में जाएंगे? देखिए, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं चिंता कर रहा, पहले मैं अपने आप को स्वस्थ करूंगा। स्वस्थ होने के बाद अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सब चीजों से अवगत कराऊंगा, सच्चाई बताऊंगा उनको। बीजेपी में अभी भी रहना चाहते हैं? देखिए, मैं रहना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। पहले तो ये देखूंगा ना कि ये जो लोग ऊपर के बैठे हैं इस हादसे को टेक ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर क्या करनाल के विधायक सीएमओ के साथ तार जुड़े हुए थे साजिश के द्वारा? देखिए, ये बात मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इस बात का मुझे कोई सबूत नहीं मिला, ना मैं ये बोलना चाहता। इसमें कुछ लोगों की भूमिका तो है, आने वाले टाइम में खुलासा हो सकता है। आने वाले टाइम में दल में जाने की तो नहीं सोचा अभी, मैंने कुछ नहीं सोचा, ना दूसरे दल में जाने की सोचा, ना राजनीति आगे कैसे करनी है। अभी मुख्यमंत्री जी के कहने से हटी या नहीं कहने से हटी मैं ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी के नजदीकी था। मैंने उनके चुनाव में दोनों बार, ये पूरी मीडिया भी देखती है, पूरा नगर भी देखता है, जितने विश्वास से काम किया और अपने घर से पता नहीं क्या क्या करके काम किया। पहले चुनाव के अंदर मेरी सिल्वर जुबली थी 2 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को मोदी जी करनाल आने वाले थे, उनकी रैली का मैं संयोजक था, और उसको पूरी रात को मैं अपने घर भी नहीं आया, पूरे फील्ड में था। ये अगर ये चीज़ भी इन लोगों को ये दिख रही है कि भाई मैं काम नहीं करता था या कोई अलग तरीके से काम करता था, तो वो सबूत दुनिया भर के पड़े हैं। हालचाल जानने के लिए किसी वरिष्ठ नेता का फोन आया आपके पास? हालचाल इसके बारे में मुख्यमंत्री को आपने अवगत कराया या आपकी कोई मुख्यमंत्री जी से अभी बात नहीं हुई? मैंने एक दिन फोन किया था, उनका हालचाल जानने के लिए फोन किया था जब वो एडमिट थे, लेकिन वो फोन किसी ने उठाया, उन्होंने कहा मैं बात कराऊंगा, लेकिन बात हुई नहीं। दोबारा भी मैंने फोन किया है, अब जब भी बात होगी मुख्यमंत्री जी को हर चीज से अवगत कराऊंगा। हाँ जी, विक्रमजीत की फोटो मेरे पास नहीं है कोई भी, किसी नेता से संबंध है उसका? बिल्कुल है जी, त्रिलोचन सिंह के सगे भांजे, हैप्पी नाम है उसका, कथोरिया जी विक्रमजीत के साथ। मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, लेकिन जब कोई राजनीति षड्यंत्र उतरने पे आता है ना, वो संबंध भूल जाता है। ये नहीं किसी को जानकारी होती, देखिए चंद्रमा को सूर्य जी को ग्रहण लगता है, वो ग्रहण 2-3-4 घंटे बाद जब हटता है तो उनका जो प्रकाश होता है ना, वो पहले से ज़्यादा होता है। इन्होंने ये सोच लिया कि चंद्र प्रकाश को हमने ग्रहण लगा दिया, ये तो ख़त्म हो गया। इनको यही ध्यान नहीं रहा जब ग्रहण उतरेगा इसका प्रकाश कितना तेज होगा, और ये किसी भी आप शेर को पिंजरे में बंद कर दो, जब पिंजरे से छोड़ते हो तो कितने तरीके से बाहर निकल के कैसे लोगों के बीच में रहता है, ये सब जानते हैं। तो परिवार की मोरल सपोर्ट एकदम से खत्म हो जाती है कोई भी? देखिए, परिवार की मोरल सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं तो मेरा पूरा परिवार ये खड़ा है, ये मेरी धर्मपत्नी बैठी है, तो आप जब भी पता करने और मुझे आए ना, तो मुझे तो मोरल सपोर्ट सबकी आप लोगों की है। आप लोगों ने जो आप लोगों ने समाज ने और जो करनाल की जनता ने जो मुझे 4 महीने में मोरल सपोर्ट दी है, मैं उसका बहुत ऋणी हूँ और उसका ऋणी रहूंगा। मुश्किल तो समय रहा 4 महीने। कथोरिया जी ये स्पष्ट करें कि ये जो षड्यंत्र, कथोरिया जी ये स्पष्ट करें कि ये षड्यंत्र जो रचा गया वो त्रिलोचन सिंह की तरफ से रचा गया या हैप्पी और परमजीत की तरफ से रचा गया? देखिए, ये जो लिखित रूप में आया है वो तो उसने अपने ऊपर लिया है, लेकिन अगर इसकी जाँच होगी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, जब इसकी जाँच होगी तो कुछ लोग करनाल के भी शामिल मिलेंगे पक्का, जिनके साथ उनकी टेलीफोन पे बात हुई है। बीजेपी के लोग भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सर, कितना मुश्किल भरा समय रहा 4 महीने? ये मुश्किल भरा समय मैंने कैसे 4 महीने बिताए ये मुझे पता है। मैं बहुत दुखी रहा हूँ, कुछ तो इस हादसे के कारण, कुछ अपनी चोट के कारण से, और अब आपके बीच में आके मैंने आज इसका ओपन किया है कि ये प्रेस नोट में मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो उससे लेके आज तक मैंने बीते ही हैं, और ये नीचे लिखा भी है प्रेस नोट के साथ, विक्रमजीत द्वारा पुलिस थाना सेक्टर 49 चंडीगढ़ में दिए गए बयान संलंकित हैं जो मेरे खिलाफ रचे हुए राजनीतिक षड्यंत्र को साबित करते हैं, माफीनामा संबोधित। ये सब कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है जी आज तक, मैं उससे आज तक कोई एक फोन की कॉल दिखा दो मेरी उसकी है मेरी। पहले आप बताएं, मैं 25 साल से आप लोग सब आते हैं, यही इलेक्शन है, हर जगह
कुछ नहीं किया, शांत दो मिनट। आपको लगता है कि मुझे कुछ कहना था? दो मिनट। जब मुझे ये पता चला तो मैंने भैया से बात करी, संजय भाटिया भैया से, कि भैया ऐसे से बात है। एमपी साहब? हाँ जी, एमपी से। अब वो भैया ने बोला कि तो आपको एक ही सलाह दूंगा, पहले आप इनको संभालो, इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। जो मुझे पता चला है आपको मेरी तरफ से अगर कोई भी आपको ज़रूरत है तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने बोला मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। कहना चाहेंगे करनाल के लोगों? मैडम आप रिश्ते की, मैडम रिश्ते की बात हो रही है भाई, मेरे मेरे हाँ जी मैडम रिश्ते की एक बात हो रही है कि भाई बहन का रिश्ता या महिला मित्र, आपको आप कितना स्पष्टीकरण करती हैं? मेरा घरेलू मामला है और मेरा संबंध है, मेरे घर के परिवार है, हम आते जाते हैं, सबको जाते हैं। आप अपने घर से भी पूछ सकते हैं, ये सबका अपना अपना घर के रिश्तेदारों का बात होता है कि अगर कोई किसी पे कुछ भी लगाए वो किसी का मौका नहीं होता, वो मौका है वो किसने लिया और लेके चले। मुझे इससे कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। अभी मैं कंप्लेंट के लिए अभी आप पहले आपसे मिला हूं, फिर मैंने अभी अपने होम मिनिस्टर को कंप्लेंट कर दी है, अभी मैं चंडीगढ़ कंप्लेंट करने वाला हूं। होम मिनिस्टर को जो कंप्लेंट की उसमें किसका नाम लिया है? उसमें हमने जो आपको बताया वही लिखा है। इनका नहीं, जिसका नेता की बात कर रहे हैं। देखिए वो जो इसके अंदर लिखा गया है यही वहाँ गया है। सर अगर ये कहा जाए कि आपके बढ़ते राजनीति के रसूख को लेकर इन लोगों को परेशानी आ रही थी, क्या इसमें कोई सच्चाई होगी? ये सच्चाई है जी, यही सच्चाई है, असली सच्चाई यही है। आपका बढ़ता राजनीति का एक्चुअल में सच्चाई यही है, एक्चुअल में सच्चाई यही है। अभी मैं दिल्ली किसी के पास नहीं गया क्योंकि मैं ये देखिए मेरी टांग पे अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को सिर में भी फ्रैक्चर हुआ, मैंने MRI भी कराई, सब कुछ कराया और मैं एक महीना 12-13 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, उसके बाद 2 महीने घर रहा हूँ। तो मैं ये बात अभी बताऊँगा सबको, उनको अवगत कराऊँगा, उसके बाद जो निर्णय होगा देखा जाएगा। सर ये जो हैप्पी ने अपना माफीनामा लिख कर दिया, ये आपकी शिकायत के बाद दिया, इसने पहले दिया या नहीं? मेरी शिकायत से पहले, किसी दबाव में आकर मेरी शिकायत से पहले दिया। उसका आपसे पहले कोई मनमुटाव था जो उसने आपके खिलाफ उसका मनमुटाव एक ही था, वो चाहता नहीं था कि इनका समझौता होना चाहिए। किसके पीछे कोई खास वजह? वो खास वजह ये थी कि वो चाहता था कि ये बहन जी अपने पति के साथ ना रहे और इसको मैं किसी तरह अपने बवंडर में फंसाऊं। आपका कहना है कि वो उस महिला को बरगलाकर जो मुझे उसने बहन जी ने बोला, जो उस बहन जी ने बोला कि ये चाहता नहीं है समझौता हो और आप समझौता कराने आए हो, आप इस दरवाजे से नहीं जाओगे और आप यहाँ से निकलोगे दूसरे दरवाजे से, उसने बहुत डर के बहुत रो करके ये बात मुझे करी। लेकिन सर उस जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें वो महिला, एक जो महिला है वो कई चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रही है, वो ये इतनी बात भी बोल रही है कि ही इज़ ए नाइस पर्सन, प्लीज़ आप तो ये बात बोलना गलत है, तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। नहीं, अगर किसी अच्छे आदमी को ये बोलना गलत है कि अच्छा आदमी है तो मैं इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उस वीडियो में महिला जो एक्सेप्ट करते नजर, मैंने और कुछ चीज़ें देखी नहीं है, अगर आपके पास है तो मुझे भी दे दीजिए। मेरा राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक मतभेद किसी से नहीं है, अगर किसी ने अपने आप ही अपने मन में ये मेरे खिलाफ रख लिया है तो वो वही जानता है, वो अपने आप आपको स्पष्ट करेगा, आप उनसे बात कर लीजिए। भविष्य में आपकी रणनीति क्या रहेगी? बीजेपी के नेता भी कुछ शामिल है, त्रिलोचन सिंह से मिले हुए बीजेपी के नेता भी? बिल्कुल मिले हो सकते हैं, इस षड्यंत्र में मिले हो सकते हैं। खजूरिया जी भविष्य में अब आपकी रणनीति क्या रहेगी? भविष्य में रणनीति ये रहेगी, पहले ये ठीक हो जाऊंगा, मैं अपने आप को ठीक करूंगा, फिर सभी नेताओं को ये फैक्ट दिखाऊंगा और पुलिस प्रशासन में ये चीजें दूंगा, उसके बाद जो होगा। सर आपने 16 साल लगातार दिन रात एक करके पार्टी की सेवा की है, पार्टी का ग्राफ को बढ़ाया है, पार्टी को इतने अपने आप को लेकर और पार्टी के ग्राफ को इतने ऊपर पहुंचाया, आपको क्या लगता है कि सारा यही द्वेष है लोगों के मन में, यही द्वेष? ये मैं तो नहीं कह सकता, अगर उन्होंने कुछ सोच रखा है तो वो इस द्वेष को निकाल दें। आपको पार्टी से निष्कासित, आपने पार्टी की 16 साल सेवा की लेकिन पार्टी ने आपको निष्कासित करने में 16 घंटे का समय तक नहीं लिया, 3 घंटे लिए उन्होंने, निकाल दिया उन्होंने, पता नहीं सिक्योरिटी वापिस ले ली, इसके पीछे मुख्य वजह आप क्या जानते? मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, ये वजह पता तब लगेगी जब मैं नेताओं से मिलूंगा और उनसे बातचीत करूंगा। ये मेरे ग्राम के ब्राह्मण देवता हैं, इन्होंने जब पता लगा तो ये खुद आ गए, इन्होंने कहा जी आपकी प्रेस मीडिया पहली बार हो रही है, 4 महीने में आप प्रेस के लोगों से और दुनिया के लोगों से पहली बार मिल रहे हो तो इसका शंखनाद से हम शुरुआत करेंगे। ये समझा शंखनाद से आज महाभारत की शुरुआत होगी उन लोगों के लिए आपकी ओर से? नहीं जी, शंखनाद महाभारत की शुरुआत नहीं करता, अच्छे कामों की शुरुआत करता है, ये अच्छे कामों की शुरुआत करता है।
शंखनाद अच्छे अच्छे कामों की आई आप ये थे हमारे साथ चंद्र प्रकाश कतूरिया जी, जिन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी, जिन्होंने यह भी बताया कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है, जिसमें उन्होंने करनाल के कांग्रेसी नेता और करनाल के कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं का नाम भी लिया है, जिनका कहना है कि इनके द्वारा ही वो षड्यंत्र रचा गया, जबकि वो बिल्कुल बेकसूर है। जिस पार्टी की सेवा उन्होंने लगातार 16 साल तक की, उसको निकाल उस पार्टी से उनको निष्कासित करने में उन्होंने 16 घंटे का मात्र 3 घंटे का समय लिया, जबकि हर एक पार्टी की अनुशासन कमेटी होती है जो कि दोनों पार्टियों की बातों को सुनती है, पार्टियों को बातें सुनने के बाद ही पार्टी को नतीजा निकालती है कि इन्हें पार्टी में रहना है या नहीं रहना है। इन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी पार्टी के कई बड़े नेताओं के घरों में ऐसे ऐसे कई वाक्या घटित हो चुके हैं, जिसमें सुभाष बराला का नाम भी इन्होंने लिया, सोनाली फोगाट का नाम भी इन्होंने लिया, लेकिन उनको आज तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया, जबकि इन्हें बिना किसी नोटिस इनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई और बिना किसी कोई कारण बताए, बिना इनकी बात सुने इन्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया। अब इन्हें पार्टी दरकिनार कर दिया गया है। भविष्य में इनकी रणनीति क्या होगी, इसके बारे में इनका ये कहना है कि वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे और भाजपा के आला अधिकारियों से को सारी बात से अवगत कराएंगे। इन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने षड्यंत्र रचा था वह एक कांग्रेसी नेता का भांजा है। उस व्यक्ति ने जिसका नाम हैप्पी बताया गया है, हैप्पी विक्रमजीत उर्फ हैप्पी बताया जा रहा है, उसने अपना माफीनामा भी दे दिया है दबाव के कारण। उस वीडियो के बारे में इनका यह कहना है कि वह मात्र उस महिला का समझौता करवाने गए थे, क्योंकि उसके पिता के साथ इनके काफ़ी अच्छे पिछले 25 सालों से संबंध रहे हैं। वो जो बंसीलाल के समर्थक थे, ये भी बंसीलाल के समर्थक है, 25 सालों से थे और उनके पिता के कहने पर ही वह उस बच्ची को समझाने गए थे ताकि उनका घर बना रहे। लेकिन विक्रमजीत उर्फ हैप्पी भी यह नहीं चाहता था कि इस महिला का घर बसे और वह महिला को बहला फुसला कर अपने साथ अपने झांसे में रखना चाहता था। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।